नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा आम जनमानस को भोगना पड़ रहा है। गंदगी और संक्रामक बीमारियों को फैलाने वाले काम नगर पालिका की ओर से किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने यहां नगर पालिका की गाड़ियों के सामने किस तरीके से प्रदर्शन किया, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें नगर पालिका की ओर से स्वच्छ और साफ नगर का दावा किए जाने की पोल खुलती दिखाई दे रही है। पूरा नगर धीरे धीरे अब गंदगी का अंबार बनता दिखाई दे रहा है। नगर पालिका की गाड़ियों के आगे बैठे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों का आक्रोश बढ़ने लगा और उनके सब्र का बांध टूट गया, तो उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने है। ये सभी लोग यहाँ गाड़ियों के सामने बैठकर जिलाधिकारी को बुलाने की जिद पर अड़े हैं। यह लोग नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला संसारपुर के निवासी हैं। इन लोगों का आरोप है कि चारागाह की जमीन पर पूरे जिले की गंदगी उड़ेली जा रही है। नगर पालिका की गाड़ियों द्वारा यहां डाले जाने वाले कूड़े से उठने वाले धुएं, बदबू और मक्खियों से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ के लोगों में बीमारियाँ फैलने का भय व्याप्त है। बीते दिन SDM सदर ने कूड़े की डंपिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन अपनी तानाशाही में चूर नगर पालिका पर SDM के आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ा। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कूड़ा डंपिंग से क्षेत्र के 2 किलोमीटर अंतर्गत पड़ने वाले घरों में मक्खियों ने कब्जा किया है, जिससे बीमारियां पनपने लगी हैं।